9. मानव शरीर के तंत्र। 1. पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरता है। 1. अंतर्ग्रहण, इंजेस्टन। 2. पाचन, डाइजेशन। 3. अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। 4. स्वांगीकरण, एसाइमिलेशन। 5. मल परित्याग, डिफेक्शन। अमाशय, स्टमक में पाचन। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। यह हल्का पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है। आमाशय के ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। आमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं पेप्सिन एवं रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। रेनिन दूध की धुली हुई प्रोटीन कैसिनोजोन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैरा कैसनीट के रूप में बदल देता है। पकवाशय, डियोडेनम में पाचन। भोजन को पकवाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत, लिवर से निकलने वाला पित्त रस, बाइल डक्ट आकर मिलता है। पित्त रस क्षारीय होता है और यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। यहाँ अग्न्याशय से अग्न्याशय रस आकर भोजन में मिलता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। 1. ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। पृष्ठ 398। 3. एमाइलेज, ये मांड स्टार्च को घुलनशील शर्करा शुगर में परिवर्तित करता है। 3. लाइपेज, ये इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन। यहाँ भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है एवं पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है। इसमें निम्न एंजाइम होते हैं। 1. इरोप्सिन, ये शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। 2. माल्टेज, ये माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। 3. सुक्रेज, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है। 4. लैक्टेज, ये लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। 5. लाइपेज, ये एमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। आंतरिक रस क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। 3. अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की रचना उदर्घ विली के द्वारा होती है। 4. स्वांगीकरण, एसाइमिलेशन, अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। मल परित्याग, डिफोसेशन, अपल भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं, जिसे गुदा एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन कार्य में भाग लेने वाले प्रमुख अंग, यकृत, लीवर, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1 से 5-2 किलो होता है। यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। ये पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका हेपाटिक सेल में संचित कर लेता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है, जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, आयरन, तांबा, कॉपर और विटामिन को संचित करके रखता है। पृष्ठ 399, शरीर के ताप को बना रखने में मदद करता है।
भोजन में जहर पॉइजन देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। पित्ताशय गॉल ब्लैडर। पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा रहता है। पित्ताशय से पित्त पकवाशय में पित्त नलिका के माध्यम से होता है। पित्त का पकवाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा होता है। पित्त बाइल पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त में जल की मात्रा 85% एवं पित्त वर्णक बाइली पिगमेंट की मात्रा 12% होती है। पित्त बाइल का मुख्य कार्य निम्न है। एक, ये भोजन के माध्यम से को क्षारीय कर देता है जिससे अग्न्याशय रस क्रिया कर सके। एक दो, ये भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तीन, ये वसाओं का इमालसीकरण करता है। चार, ये आंत को क्रमांकुंचन गतियों को बढ़ाता है जिससे भोजन में पाचक रस भली भांति मिल जाते हैं। पांच, ये विटामिन के एवं वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। पित्तवाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से विलिरुबिन लेना बंद कर देती है, फलस्वरूप विलिरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इसे ही पीलिया कहते हैं। अग्नियाशय पैनक्रीज। ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये एक साथ अंतःस्रावी नलिकाहीन एंडोक्राइन और वही स्रावी नलिका युक्त एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इससे अग्नियाशय रस निकलता है जिसमें 9.8% जल तथा शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। ये क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ यथा कार्बोहाइड्रेट वसा एवं प्रोटीन के पचाने के एंजाइम होते हैं, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यह अग्नियाशय का ही एक भाग है। इसकी खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। इसका बीटा कोशिका बी सेल से इंसुलिन, अल्फा कोशिका से ए सेल से ग्लूकोन एवं गामा सेल से सोमेटोस्टैटिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन। ये अग्नियाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रवित होता है। इसकी खोज वेंटिंग एवं वेस्ट ने 1921 में की थी। ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। नोट, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। इंसुलिन के अतिस्रवण हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है जिसमें जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। ग्लूकोन, ये ग्लाइकेजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। सोमेटोस्टैटिन, ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। पृष्ठ 400। पाचन का सारांश। एक, ग्रंथिरस लार एंजाइम टाइलिन भोज्य पदार्थ मार्ड श्वेतसार प्रतिक्रिया के बाद माल्टोस। दो, एंजाइम माल्टेस भोज्य पदार्थ माल्टोस प्रतिक्रिया के बाद ग्लूकोज। ग्रंथिरस दो, जठर रस एक, एंजाइम पेप्सिन दो रेनिन भोज्य पदार्थ प्रोटीन और कैसीन प्रतिक्रिया के बाद पेप्टोन्स कैल्शियम पैरा कैसिनेट। तीन, अग्नियाशय रस एंजाइम एक ट्रिप्सिन दो एमाइलेज तीन लाइपेज भोज्य पदार्थ प्रोटीन मांड और वसा प्रतिक्रिया के बाद पॉलीपेप्टाइडस शर्करा वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। चार, आंत्रीय रस एंजाइम एक इरेप्सिन दो माल्टेज तीन लैक्टेज चार सुक्रेज पांच लाइपेज भोज्य पदार्थ प्रोटीन माल्टोस लैक्टोज सुक्रोज वसा प्रतिक्रिया के बाद अमीनो अम्ल ग्लूकोज ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल। दो, परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण की खोज 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। इसके अंतर्गत निम्न चार भाग हैं: एक हृदय हार्ट दो धमनियां आर्टरीज तीन शिराएं वेन्स और चार रुधिर ब्लड। हृदय हार्ट, ये हृदय वरण पेरिकार्डियम नामक थैली में सुरक्षित रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। मनुष्य का हृदय चार कोष्ठों चैम्बर का बना होता है। अगले भाग में एक दायां आलिंद राइट ऑरिकल एवं बायां आलिंद लेफ्ट ऑरिकल तथा हृदय के पिछले भाग में एक दायां निलय राइट
वेंट्रिकल तथा एक बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। दाएं आलिंद राइट ऑरिकल एवं दाएं निलय राइट वेंट्रिकल के बीच त्रिवलनी कपाट ट्राइक्यूस्पिड वेल्व होता है। बाएं आलिंद लेफ्ट ऑरिकल एवं बाएं निलय लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच द्विवलनी कपाट बिस्क्यूस्पिड वेल्व होता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को शिरा यानी वेन कहते हैं। शिरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद है पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा फेफड़ा से बाएं आलिंद में रक्त को पहुंचाता है। इसमें शुद्ध रक्त होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी आर्टरी कहते हैं। धमनी आर्टरी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी दाहिने निलय से फेफड़ा में रक्त पहुंचाता है। इसमें अशुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त एवं बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर हृदय आघात हार्ट अटैक होता है। पृष्ठ 401। हृदय में रुधिर का मार्ग पैच ऑफ ब्लड इन दी हार्ट। बाया आलिंद बाया निलय दैहिक महाधमनी विभिन्न धमनियां छोटी धमनियां धमनी धमनी फेफड़ा पल्मोनरी शिरा बाय आलिंद ऑक्सीजन युक्त रुधिर। हृदय के संकुचन साइस्टोल एवं शिथिलन को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन हार्ट बीट कहते हैं। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय एक मिनट में 72 बार भ्रूण अवस्था में 150 बार धड़कता है तथा एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। साइनो आर्क्यूलर नोड सान दाहिने आलिंद की दीवार में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है जिससे हृदय धड़कन की तरंग प्रारंभ होती है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120 प्रति 80 mmHg होता है। सिस्टोलिक 120 डायस्टोलिक 80। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम स्फिग्मोमैनोमीटर है। थायरोक्सिन एवं एड्रीनेलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं। रुधिर में उपस्थित CO2 रुधिर के pH को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है अर्थात अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाती है एवं क्षारीयता हृदय की गति को कम करती है। 3. लसिका परिसंचरण तंत्र लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं के बीच स्थित अंतरकोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाले हल्का पीला द्रव को लसिका कहते हैं। लसिका एक प्रकार का द्रव है जिसकी रचना लगभग रक्त प्लाज्मा जैसी ही होती है जिसमें पौष्टिक पदार्थ ऑक्सीजन तथा कई अन्य पदार्थ मौजूद रहते हैं। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं लिम्फोसाइट्स कहलाती हैं। ये वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। लसिका ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहता है। लसिका के कार्य 1. लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। 2. लसिका लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है। 3. लसिका के नोड जिन्हें लिम्फ नोड कहते हैं मनुष्य के शरीर में छनने का कार्य करता है। धूल के कण जीवाणु कैंसर कोशिकाएं इत्यादि लिम्फ नोड में फंस जाते हैं। 4. लसिका घाव भरने में सहायता करती है। 5. लसिका ऊतकों से शिराओं में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण करती है। 4. उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रिएटरी सिस्टम। उत्सर्जन एक्सक्रिएशन जीवों के शरीर से उपापचय प्रक्रमों में बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। साधारण उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया अमोनिया यूरिक अम्ल आदि के निष्कासन से होता है। मनुष्यों में प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न है 1. वृक्क किडनीज 2. त्वचा स्किन 3. यकृत लिवर 4. फेफड़ा लंग्स 1. वृक्क किडनीज मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क है। इसका वजन 140 ग्राम होता है। इसके दो भाग होते हैं भारी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क का लगभग 130,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना है जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन ही वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्यालीनुमा रचना होती है उसे बॉमेन संपुट कहते हैं। पृष्ठ 402। बोमन संपुट में पतली रुधिर कोशिकाओं का कोशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस पाया जाता है जो दो प्रकार की धमनिकाओं से बनता है। 1. चौड़ी अभिवाही धमनिका एफेरेंट आर्टेरियोल जिसके द्वारा रक्त कोशिका गुच्छ से वापस ले जाया जाता है।
ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं से द्रव के छनकर बॉमेन संपुट की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया को परानिस्पंदन कहते हैं, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। वृक्को का प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना अर्थात इसमें से अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना है। वृक्को की रुधिर की आपूर्ति अन्य अंगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। वृक्क में प्रति मिनट औसतन 125 मिलीलीटर अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त निस्पंद होता है। इसमें से 1.45 लीटर मूत्र रोजाना बनता है, बाकी निस्पंद वापस रक्त में अवशोषित हो जाता है। सामान्य सूत्र में 95% तथा जल 2%, लवण 2.7%, यूरिया एवं 0.3 यूरिक अम्ल होते हैं। मूत्र का रंग हल्का पीला एवं उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 6 होता है। वृक्क के द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थों के अलावा पेनिसिलिन और कुछ मसालों का भी उत्सर्जन होता है। वृक्क में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्सैलेट का बना होता है। विभिन्न जंतु एवं उनमें उत्सर्जन। एक कोशिकीय जंतु उत्सर्जन विसरण के द्वारा। 2 पोरीफेरा संघ के जंतु विशिष्ट लनिका तंत्र के द्वारा। 3 सिलेंट्रेटस सीधे कोशिकाओं द्वारा। 4 चपटे कृमि ज्वाला कोशिकाओं द्वारा। 5 एनेलिडा संघ के जंतु वृक्क द्वारा। 6 आर्थ्रोपोडस मेलपीडियम नालिकाओं द्वारा। 7 मोलस्का मूत्र अंग द्वारा। 8 कशेरुक मुख्यतया वृक्क द्वारा। 2 त्वचा स्किन। त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय ग्रंथियां एवं स्वेद ग्रंथियां क्रमशः सीबम एवं पसीने का स्रवण करती है। 2 यकृत लीवर। यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों तथा रुधिर की अमनियों को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाता है। 4 फेफड़े लंग्स। फेफड़ा 2 प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। कुछ पदार्थ जैसे लहसुन प्याज और कुछ मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं का उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा ही होता है। 5 तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, इसके अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागे के समान तंत्रिकाएं फैली रहती हैं। ये वातावरणीय परिवर्तनों की सूचनाएं संवेदी अंगों से प्राप्त करके विद्युत आवेगों इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रूप में इनका द्रुत गति से प्रसारण करती है और शरीर के विभिन्न भागों के बीच कार्यात्मक समन्वय स्थापित करती है। पृष्ठ 403। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त होता है। 1 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम। 2 परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। 3 स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। 1 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का वो भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है। 1 मस्तिष्क ब्रेन और 2 मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। 1 मस्तिष्क। मस्तिष्क 3 भागों में बांटा जाता है। 1 अग्र मस्तिष्क। 2 मध्य मस्तिष्क। 3 पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क 2 भाग है, सेरिब्रम और डाई एनिसिफेलॉन के भी 2 भाग है, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग हैं, कार्पोरा क्वाडिजेमिना तथा दूसरा सेरिब्रल पेडेंकल। पश्च मस्तिष्क के 2 भाग हैं, सेरिब्रम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रोनियन में बंद रहता है जो इसे भारी आघातों से बचाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। सेरिब्रम के कार्य। ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। ये बुद्धिमता स्मृति इच्छा शक्ति ऐच्छिक गतियों ज्ञानवाणी एवं चिंतन का केंद्र है। ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें विश्लेषण एवं समन्वय होता है। थैलेमस के कार्य। ये दर्द ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस के कार्य। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स इसमें स्रावित होते हैं। ये भूख प्यास ताप नियंत्रण प्यार घृणा आदि के केंद्र होते हैं। रक्तदाब ब्लड प्रेशर जल के उपापचय पसीना गुस्सा खुशी आदि इसी के नियंत्रण में हैं। नोट: ईईजी
प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। कार्पोरा क्वाडी जेमिना के कार्य, ये दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र है। सेरिब्रल पेंडिकल के कार्य, इसे क्रूरा सेरोबी भी कहते हैं, ये मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। सेरिब्रम का कार्य, ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। ये आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। मेड्यूला ऑब्लिगेंटा, ये मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमांकुंचन, ग्रंथि स्राव तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करता है। पृष्ठ 404। दो, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। मेड्यूला ऑब्लिगेंटा का पिछला भाग ही मेरुरज्जु बनता है। इसका मुख्य कार्य है, एक, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना, अर्थात प्रतिवर्ती क्रिया के केंद्र का कार्य करता है। दो, मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना। नोट, प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शंस का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिकों ने लगाया था। दो, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। इन्हें क्रमशः कपाल, क्रानियाल एवं मेरुरज्जु स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। न्यूरॉन, तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। नॉर एड्रीनलिन नामक रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। तीन, स्वायत्तता तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। ये शरीर के सभी आंतरिक भागों व रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सबसे पहले लैंगली ने 1921 ईस्वी में प्रस्तुत किया। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, एक, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दो, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अनुकंपी तंत्र के कार्य, एक, ये त्वचा में उपस्थित रुधिर वाहिनियों को संकीर्ण करता है। दो, इसकी क्रिया से बाल खड़े हो जाते हैं। तीन, ये लाल ग्रंथियों के स्राव को कम करता है। चार, ये हृदय स्पंदन को तेज करता है। पांच, ये श्वेत ग्रंथियों के स्राव को प्रारंभ करता है। छह, ये आंख की पुतली को फैलाता है। सात, ये मूत्राशय की पेशियों का विमोचन करता है। आठ, ये आंत्र में क्रमांकुंचन गति को कम करता है। नौ, इसके द्वारा श्वसन दर तीव्र हो जाती है। दस, ये रक्तदाब को बढ़ाता है। ग्यारह, ये रुधिर में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। बारह, ये रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है। तेरह, ये रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। चौदह, इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा तथा क्रोध पर प्रभाव पड़ता है। परानुकंपी तंत्र के कार्य, इस तंत्र के कार्य सामान्यतया अनुकंपी तंत्र के कार्य के विपरीत है। जैसे, एक, ये रुधिर वाहिनियों की गुहा को चौड़ा करता है किंतु कोरोनरी रुधिर वाहिनियों को छोड़कर। दो, ये लार के स्राव में तथा अन्य पाचक रसों में वृद्धि करता है। तीन, ये नेत्र की पुतली का संकुचन करता है। चार, ये मूत्राशय की अन्य पेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है। पांच, ये आंतरिक भित्ति में संकुचन एवं गति उत्पन्न करता है। छह, इस तंत्रिका तंत्र का प्रभाव सामूहिक रूप से आराम और सुख की स्थितियां उत्पन्न करता है। पृष्ठ 405। छह, कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम। मनुष्य का कंकाल तंत्र दो भागों का बना होता है, ए, अक्षीय कंकाल, बी, उपांगीय कंकाल। ए, अक्षीय कंकाल एक्सियल स्केलेटन। शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं। इसके अंतर्गत खोपड़ी, कशेरुक दंड तथा छाती की अस्थियां आती हैं। एक, खोपड़ी स्कल। मनुष्य के सिर हेड के अंतः कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं। इसमें 29 अस्थियां होती हैं। इसमें से 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहते हैं। कपालों की सभी अस्थियां सीवनों के द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती है। इनके अतिरिक्त 14 अस्थियां चेहरे को और बनाती है। 6 अस्थियां कान को, हायर्ड नामक एक और अस्थि खोपड़ी में होती है। दो, कशेरुक दंड वर्ट्रिब्राल कॉलम। मनुष्य का कशेरुक दंड 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना है। सभी कशेरुक उपस्थित गद्दियों के द्वारा जुड़े रहते हैं। इन गद्दियों से कशेरुक दंड लचीला रहता है। संपूर्ण कशेरुक दंड को हम निम्नलिखित भागों में विभक्त करते हैं, गर्दन सर्वाइकल रीजन, 7 कशेरुक, 2 वक्ष थोरासिक रीजन, 12 कशेरुक कटी लंबर रीजन, 5 कशेरुक त्रिक
सैक्राल रीजन 5 कशेरुक, पुच कौडाल रीजन 4 कशेरुक, कुल योग 33 कशेरुक। इसका पहला कशेरुक जो कि एटलस कशेरुक एटलस वर्टेब्रा कहलाता है, खोपड़ी को साधे रखता है। कशेरुक दंड के कार्य, एक सिर को साधे रहता है, दो ये गर्दन तथा धड़ को आधार बनाकर प्रदान करता है, तीन ये मनुष्य को खड़े होकर चलने खड़े होने आदि में मदद करता है, चार ये गर्दन तथा धड़ को लचक प्रदान करते हैं जिससे मनुष्य किसी भी दिशा में अपनी गर्दन और धड़ को मोड़ने में सफल होता है, पांच ये मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। बी उपांगीय कंकाल अपेंडिक्यूलर स्केलेटन, इसके निम्न भाग हैं, एक पाद अस्थियां, दोनों हाथ पैर मिलाकर 118 अस्थियां होती हैं, दो मेखलाएं, मनुष्य में अग्रपाद तथा पश्चपाद को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए दो चाप पाए जाते हैं जिन्हें मेखलाएं गिडलस कहते हैं, अग्रपाद की मेखला को अंश मेखला तथा पश्चपाद की मेखला को श्रेणी मेखला पेल्विक गिडल कहते हैं। अंश मेखला से अग्रपाद की अस्थि ह्यूमरस एवं श्रेणी मेखला से पश्चपाद की हड्डी फीमर जुड़ी होती है। कंकाल तंत्र के कार्य, एक शरीर के को निश्चित आकार प्रदान करना, दो शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करना, तीन पेशियों को जुड़ने का आधार प्रदान करना, चार श्वसन एवं पोषण में सहायता प्रदान करना, पांच लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना। पृष्ठ 406। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206, बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या 208, सिर की कुल हड्डियों की संख्या 29, कपाल 8, फेसरियल 14 एवं कर्ण 6, रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभ में 33, रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या विकसित होने पर 26, पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या 24, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कान की हड्डी। नोट, एक मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं, दो अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिंगामेंटस कहते हैं। कुछ विशेष स्थानों की अस्थियों के नाम एवं संख्या, एक कर्ण अस्थियों के नाम मेलियस, संख्या दो अस्थियां अस्थियों के नाम इनकस और स्टेप्स, संख्या दो 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 ऊपरी बाहु अस्थियों के नाम ह्यूमरस, संख्या दो तीन अग्रबाहु अस्थियों के नाम रेडियो अलना, संख्या दो चार कलाई अस्थियों के नाम कापर्ल्स, संख्या 16, पांच हथेली अस्थियों के नाम मेटाकार्पल्स, संख्या 10, 6 अंगुलियां अस्थियों के नाम फेलेंजेस, संख्या 28, 7 जांग अस्थियों के नाम फीमर, संख्या 2, 8 पिंडली अस्थियों के नाम टीबियो फिबुला, संख्या 4, 9 घुटना अस्थियों के नाम पटेला, संख्या 2, 10 टखना अस्थियों के नाम टार्सल, संख्या 14, 11 तलवा अस्थियों के नाम मेटा टार्सल्स, संख्या 10, 7 अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम्स। ए बही स्त्रावी ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये नलिका युक्त डक्ट ग्लैंड्स होती हैं, इससे एंजाइम का स्राव होता है, जैसे दुग्ध ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, अश्रुग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथियां, लार ग्रंथियां आदि। बी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये नलिका विहीन ग्रंथि होती है, इससे हार्मोन का स्राव होता है, यह हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जैसे पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पारा अवटु ग्रंथि, पैरा थायराइड ग्लैंड आदि। मानव शरीर की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि एवं उनसे उत्पन्न होने वाले हार्मोन के कार्य एवं प्रभाव। एक पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कपाल की स्पेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है, इसको सेल टर्सिका कहते हैं, इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है, इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन एवं उनके कार्य। एक एसटीएच हार्मोन सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, ये शरीर की वृद्धि विशेषताया जिगमैनेटिज्म अथवा एक्रोमिगली विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है। एसटीएच की कमी से मनुष्य में बौनापन ड्वार्फिज्म होता है। दो टीएसएच हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। तीन एसीटीएच हार्मोन एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रिनल कार्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। पृष्ठ 407। चार जीटीएच हार्मोन गोना
डोट्रॉपिक हार्मोन। ये जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण करता है। ये दो प्रकार का है, ए FSH हार्मोन, फॉलिस्कल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वृषण की शुक्राजनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करता है। ये अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में मदद करता है। बी LH हार्मोन, ल्यूटराइटिंग हार्मोन, अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन। नर में इसके अभाव से अंतराली कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। पांच LTH हार्मोन, दुग्धजनक हार्मोन और लैक्टोजेनिक हार्मोन। इसका मुख्य कार्य है शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध स्राव उत्पन्न करना। छह ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसके कारण छोटी छोटी रक्त धमनियों का संकीर्णन होता है एवं रक्तदाब बढ़ जाता है। यह शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक होता है। दो अवटु ग्रंथि थायराइड ग्लैंड। यह मनुष्य के गले में श्रावास नलिया ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे स्थित रहती है। इससे निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन एवं ट्रायोडोथायरोनिन है। इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में रहती है। थायरोक्सिन के कार्य, एक ये कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है। दो ये शरीर की सामान्य वृद्धि विशेषतः हड्डियों बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। तीन जनन अंगों के सामान्य कार्य इन्हीं की सक्रियता पर आधारित रहते हैं। चार पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करते हैं। थायरोक्सिन के कमी से होने वाला रोग, एक जड़ मानदता। ये रोग बच्चों में होता है। इसमें बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। दो मिक्स सडमा, यौवन अवस्था में होने वाले इस रोग में उपापचय भलीभांति नहीं हो पाता, जिसमें हृदय स्पंदन तथा रक्तचाप कम हो जाता है। तीन हाइपोथायराइडिज्म, लंबे समय तक इस हार्मोन की कमी के कारण ये रोग हो जाता है। इस रोग के कारण सामान्य जनन कार्य संभव नहीं हो पाता। कभी कभी इस रोग के कारण मनुष्य गूंगा एवं बहरा हो जाता है। चार घेंगा, भोजन में आयोडीन की कमी से ये रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है। थायरोक्सिन के आधिक्य में होने वाला रोग, एक टॉक्सिक गुआइटर। इसमें हृदय गति तीव्र हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, श्वसन दर तीव्र हो जाती है। दो एक्सोथैलेमिया, इस रोग में आंख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल आती है। तीन परा अवटु ग्रंथि, ये गला में अवटु ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होता है। इससे दो हार्मोन स्त्रावित होते हैं। एक पैराथायराइड हार्मोन, ये हार्मोन तब स्त्रावित होता है जब रुधिर के कैल्शियम की कमी हो जाती है। पृष्ठ 408। दो कैल्सीटोनिन, जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तब यह हार्मोन मुक्त होता है, अर्थात परा अवटु ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन रुधिर में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। चार अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड, इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक बाहरी भाग कॉर्टेक्स तथा दो अंदरूनी भाग मेड्यूला। कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन एवं कार्य, एक ग्लूकोकार्टिक बाइट्स, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा उपापचय को नियंत्रण करता है। दो मिनरल लोकार्टिक वाइट्स, इसका मुख्य कार्य वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर में अन्य लवणों की मात्राओं का नियंत्रण करना है। तीन लिंग हार्मोन सेक्स हार्मोन, ये वाहलिंगों वालों के आने के प्रतिमान एवं यौन आचरण को नियंत्रित करते हैं। नोट, एक कार्टेक्स जीवन में नितांत आवश्यक है। यदि ये शरीर से बिल्कुल निकाल दिया जाए तो मनुष्य केवल एक या दो सप्ताह ही जीवित रह सकेगा। दो कार्टेक्स के विकृत हो जाने पर उपापचयी प्रक्रमों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को एडिसन रोग कहते हैं। मेड्यूला द्वारा स्रावित हार्मोन एवं कार्य, एक एपिनेफ्रीन, ये एक एमिनो अम्ल है। दो कार्टेक्स के विकृत हो जाने पर उपापचयी प्रक्रमों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को एडिसन रोग कहते हैं। मेड्यूला द्वारा स्रावित हार्मोन एवं कार्य, एक एपिनेफ्रीन, ये एक एमिनो अम्ल है। दोनों हार्मोनों का समान कार्य है। ये समान रूप से हृदय पेशियों की उत्तेजनशीलता एवं संकुचनशीलता में वृद्धि करते हैं, फलस्वरूप रक्तचाप बढ़ जाता है। एपिनेफ्रीन हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने में सहायक होता है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लडो एवं उडो फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है।
उत्तेजना के समय एड्रीनोलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होते हैं, जैसे क्रोध, भय एवं खतरे के समय सक्रिय होता है। 5. जनन ग्रंथि गोनैड्स। 1. अंडाशय ओवरी, इसके द्वारा निम्न हार्मोनों का स्राव होता है। 1. एस्ट्रोजन, ये अंडवाहिनी ओविडक्ट के परिवर्धन को पूर्ण करता है। 2. प्रोजेस्टेरोन, ये एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है। 3. रिलैक्सिन, गर्भावस्था में यह अंडाशय गर्भाशय एवं अपरा में उपस्थित रहता है। यह हार्मोन प्यूबिक सिंफाइसिस को मुलायम करता है और ये गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। 2. वृषण टेस्टिस, इससे निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धनों एवं यौन आचरण को प्रेरित करते हैं। पृष्ठ 409। 8. श्वसन तंत्र रेसिपिरेटरी सिस्टम। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा या फुफ्फुस लंग्स होता है, जैसे जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है, इसे फुफ्फुसीय श्वसन भी कहते हैं। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वो सभी अंग आते हैं जिससे होकर वायु का आदान प्रदान होता है, जैसे नासामार्ग, ग्रसनी, लैरिंकस या स्वर यंत्र, ट्रैकिया, ब्रोकाई, ब्रोंकियोल्स तथा फेफड़े आदि। नासामार्ग नेसल पैसेज, इसका मुख्य कार्य सूंघने से संबंधित है। ये श्वसन नाल के द्वार का भी कार्य करता है। इसके भीतर की गुहा म्यूकस कला म्यूकोस मेम्ब्रेन में स्तरित होती है। ये स्तर लगभग 1/2 लीटर म्यूकस प्रतिदिन स्रावित करती है। ये स्तर धूल के कण, जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीव को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। ये शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को नम एवं शरीर के ताप के बराबर बनाती है। ग्रसनी फेराइनिक्स, ये नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित रहता है। लैरिंकस या स्वरयंत्र, श्वसन मार्ग का वो भाग जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है, लैरिंकस या स्वरयंत्र कहलाता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन है। लैरिंकस प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती समान कपाट होता है जिसे एपिलोंटिस कहते हैं। जब कुछ भी निगलना होता है तो ये ग्लॉटिस द्वार बंद होता है जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता। ट्रैकिया, ये वक्ष गुहा थोराकिक कैविटी में प्रवेश करती है। ट्रैकिया की दोनों प्रमुख शाखाओं को प्राथमिक ब्रोंकियोल कहते हैं। दायां ब्रोंकियोल 3 शाखाओं में बटकर दाईं ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है। बाया व्रोवोकियल केवल 2 शाखाओं में बटकर बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। फेफड़ा लंग्स, वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। इनका रंग लाल होता है और इनकी रचना स्पंज के समान होती है। दाया फेफड़े बाएं फेफड़े की तुलना में बड़ा होता है। प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। यहाँ पर O2 रुधिर में चली जाती है और CO2 बाहर आ जाती है। श्वसन की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा जा सकता है। 1. बाह्य श्वसन एक्सटर्नल रेसिपिरेशन, 2. गैसों का परिवहन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, 3. आंतरिक श्वसन इंटरनल रेस्पिरेशन, 4. कोशिकीय श्वसन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। 1. बाह्य श्वसन, ये निम्न 2 पदों में विभक्त होता है। ए. श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग, बी. गैसों का विनिमय एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ए. श्वासोच्छ्वास, फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरी तथा निकाली जाती है जिसे सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। 1. निश्वसन इंस्पिरेशन, इस अवस्था में वायु वातावरण से वायु पथ द्वारा फेफड़े में प्रवेश करती है जिसे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है एवं फेफड़ों के एक निम्न दाब का निर्माण हो जाता है तथा वायु वातावरण से फेफड़ों में प्रवेश करती है। ये हवा तब तक प्रवेश करती रहती है जब तक कि वायु का दाब शरीर के भीतर एवं बाहर बराबर ना हो जाए। 2. उच्च श्वसन एक्सपिरेशन, इसमें श्वसन के पश्चात वायु उसी वायु पथ के द्वारा फेफड़े से बाहर निकलकर वातावरण में पुनः लौट जाती है जिसे पथ से वो फेफड़े में प्रवेश करती है। पृष्ठ 410। श्वासोच्छ्वास में वायु का संगठन, अंदर ली गई वायु नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, बाहर निकाली गई वायु नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 17%, कार्बन डाइऑक्साइड 4%।
नोट: सांस द्वारा लगभग 400 मिलीलीटर पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। बी: गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय फेफड़े के अंदर होता है। ये गैसीय विनिमय घुली अवस्था में या विसरण प्रवणता डिफ्यूजन ग्रेडियंट के आधार पर साधारण विसरण के द्वारा होता है। फेफड़े में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उनके दाबों के अंतर के कारण होता है। इन दोनों गैसों की विसरण की दिशा दूसरे के विपरीत होती है। दो: गैसों का परिवहन। गैसों का O2 एवं CO2 फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना तथा पुनः फेफड़े तक वापस आने की क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिकाओं से फेफड़ों तक हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10-20% तक ही हो पाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त परिसंचरण के द्वारा अन्य प्रकार से भी होता है। एक: प्लाज्मा में घुलकर। CO2 प्लाज्मा में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है। इस रूप में 7% CO2 का परिवहन होता है। दो: बाइकार्बोनेट्स के रूप में। बाइकार्बोनेट्स के रूप में CO2 का लगभग 70% भाग परिवहन होता है। वो रुधिर के पोटेशियम एवं सोडियम के साथ मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। तीन: आंतरिक श्वसन। शरीर के अंदर रुधिर एवं ऊतक द्रव्य के बीच गैसीय विनिमय होता है, जैसे उसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। नोट: फेफड़ों में होने वाले गैसीय विनिमय को बाह्य श्वसन कहते हैं। इसमें जब रुधिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचता है तो ऑक्सीजन विमुक्त होता है एवं खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा विमुक्त होती है। चार: कोशिकीय श्वसन। खाद्य पदार्थों के पाचन के फलस्वरूप प्राप्त ग्लूकोज का कोशिका में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। इस क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन दो प्रकार के होते हैं। एक: अनॉक्सी श्वसन। दो: ऑक्सी श्वसन। एक: अनॉक्सी श्वसन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल और बैक्टीरिया एवं यीस्ट की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल में विघटित हो जाता है। इसे शर्करा किण्वन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अनॉक्सी श्वसन के अंत में पाइरूविक अम्ल बनता है। अनॉक्सी श्वसन प्राय जीवों में गहराई पर स्थित ऊतकों में अंकुरित बीजों में एवं फलों में थोड़े समय के लिए होता है, परंतु यीस्ट एवं जीवाणु में ये प्राय पाया जाता है। दो: ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसमें श्वसनी पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 एवं H2O बनते हैं तथा काफी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है, जैसे 6H12O6 प्लस 6O2 वेक्टर 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 2830 kg ऊर्जा, किलो जूल ऊर्जा। पृष्ठ 411। कोशिकीय श्वसन में होने वाली जटिल प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। एक: ग्लाइकोलिसिस। बी: क्रेब्स चक्र। ए: ग्लाइकोलिसिस। इसका अध्ययन सर्वप्रथम एम्बेडेन मेयरहॉफ पार्सन ने किया था, इसीलिए इसे EMP पथ भी कहते हैं। इसको अनॉक्सी श्वसन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन या शर्करा किण्वन शुगर फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा मुक्त होती है। ये अवस्था ऑक्सी एवं अनॉक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में उपस्थित रहती है। एक ग्लूकोज अणु को अणु का ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप पाइरूविक अम्ल के दो अणु बनते हैं। इस प्रक्रिया को आरंभ करने में दो अणु ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट व्यय होते हैं, किंतु प्रक्रिया के अंत में चार अणु ATP प्राप्त होते हैं। अतः ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप दो अणु ATP प्राप्त होते हैं, अर्थात 16,000 कैलोरी कोष्ठक में 2×8,000 ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, अतः ये प्रक्रिया अनॉक्सी श्वसन एवं ऑक्सी श्वसन में एक समान होती है। इसमें हाइड्रोजन के चार परमाणु बनते हैं, जो NAD को 2NADH2 में बदलने में काम आता है। बी: क्रेब्स चक्र। इसका वर्णन हैंस क्रेब ने सन 1937 ईस्वी में किया। इसको साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राइकार्बोसिक्लिक चक्र भी कहा जाता है।
ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विशेष एंजाइम की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। एडीपी के दो अणु एटीपी के दो अणु बनते हैं। इस चक्र में हाइड्रोजन के दो दो परमाणु पांच बार मुक्त होते हैं। पूरे चक्र दो अणु पाइरूविक अम्ल के होते हैं, अतः कुल छह अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का निर्माण क्रेब्स चक्र के दौरान होता है। ऊर्जा का उत्पादन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। पाइरूविक अम्ल के अणु के ऑक्सीकरण से एटीपी का एक अणु पांच अणु एनएडीएच के व एक अणु एफएडीएच2 का बनता है। एनएडीएच के एक अणु से तीन अणु एटीपी के व एफएडीएच2 के अणु एक अणु से एटीपी के दो अणु प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पाइरूविक अम्ल के एक अणु से एक प्लस तीन गुणा पांच प्लस दो गुणा एक बराबर अठारह अणु एटीपी के बनते हैं। ग्लूकोज के एक अणु से दो पाइरूविक अम्ल के अणु बनते हैं, जिससे 36 अणु एटीपी के प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी दो एटीपी अणुओं का लाभ होता है, अतः ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से कुल दो प्लस 36 बराबर 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। श्वसनी पदार्थ। कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन प्रमुख श्वसनी पदार्थ है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का श्वसन होता है, इसके बाद वसा का। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का भंडार समाप्त होने के बाद ही प्रोटीन का श्वसन होता है। नोट, श्वसन एक अपचयी क्रिया कैटाबॉलिक प्रोसेस है, इससे शरीर के भार में भी कमी होती है। पृष्ठ 412।